सौभाग्य है। वैसे इस स्थान पर मैं 20 वर्ष पहले भी आया, उसमें और आज में स्थान के विकास में तो बहुत बड़ा परिवर्तन है। लेकिन वास्तव में आज मैं उन शहीदों को नमन कर रहा हूँ जिन्होंने देश की आज़ादी का ये जंग स्वयं की कुर्बानी के बाद भी देश के नौजवानों में आज़ादी के ललक जगे और आज़ादी के लिए बलिदान करने की वृत्ति पैदा हो। इसलिए बम फेंकने के बाद भी भागे नहीं, ये सोच करके कि निश्चित रूप से पकड़ा जाना चाहिए और जो भी सज़ा मुझे मिलेगी वो उसे स्वीकार करूँगा, ताकि आगे आने वाले जो यूथ हैं वो हमारे इस बलिदान से प्रेरणा लेकर के आज़ादी के जंग में इसी प्रकार से अपना सर्वस्व लुटा करके भी कूद पड़े। तो वास्तव में इस आज़ादी के जंग को जिस रूप में अपनी बलिदान देकर के उन्होंने आगे बढ़ाया, शायद उनको भी नहीं पता था कि ये देश आज़ाद कब होगा। उन्होंने तो अपना कर्म पूरा कर दिया ये सोचते हुए कि मेरा जीवन सफल हो गया, कि मैं आज़ादी के इस जंग में अपने आप को बलिदान करके आने वाली पीढ़ी को एक संदेश देके जा रहा हूँ कि देश के लिए सब कुछ करने की जब मंशा होती है तब देश सम्मान को प्राप्त करता है। तो अंग्रेज़ों के जुल्म से आज इस स्थिति में हम आए हैं, ऐसे बलिदानी पुरुषों के जीवन उत्सर्ग के बाद ही आज हम देख पा रहे हैं। तो वास्तव में उनके प्रति मैं नहीं, पंजाब नहीं, पूरा देश का जन जन उनको बहुत ही नमन करता है। और मैं सोचता हूँ कि देश के हर शहर में ऐसे भगत सिंह जी के स्टैचू तो लगे हुए हैं, पर सुखदेव और राजगुरु के स्टैचू उतनी मात्रा में नहीं हैं। मैं आज आपके माध्यम से कि उन बलिदानी पुरुषों का भी इसी प्रकार से सम्मान आगे बढ़ाएं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी ये सीख सके कि देश के लिए कुर्बान होना एक तरह से ज़िंदगी की सफलता का बड़ा सबसे बड़ी उपलब्धि है। सर, आज आप हुसैनी वाला के साथ साथ भी बात की जाए, पाकिस्तान के 0-7 पे मैच होने वाला है, उसके लिए क्या कहेंगे आज? देखो, मैं सोचता हूँ मैच में तो अब जो जीतना हारना होगा वो होगा, लेकिन जब अपना देश जीतता है तो मुझे खुशी नहीं होती, 140 करोड़ लोगों को खुशी होती है। हम अपने खिलाड़ियों से ये उम्मीद करते हैं कि आपके सम्मान में देश का सम्मान है, आपकी ही उपलब्धि में देश की उपलब्धि है। इसलिए हम देशवासी सब चाहते हैं कि जब आप खेलो तो इस बात का भी ध्यान रख के खेलो कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो देश के मान और सम्मान के लिए कर रहा हूँ। सर, इस जगह की डेवलपमेंट तो लगातार हो रही है, सारी सब तरह करवा रही है, लेकिन प्रमोशन नहीं हो रही टूरिज्म के उस पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, मैं सोचता हूँ कि पहले की तुलना में आज जब मैं आया हूँ, 20 साल पहले आया, आज मैं स्वयं देख करके भी मेरा मन खुश है कि वास्तव में इस स्थान को एक अच्छा स्थान बनाने का प्रयत्न किया। अभी बहुत कुछ गुंजाइश है और यहाँ आने के लिए उनकी सारी कोई तो भी फिल्म बने जो फिल्म यहाँ आने वाले टूरिस्ट के सामने दिखाई जाए कि बलिदान किस तरह से प्रारंभ हुआ, किस स्टेज पर पहुँचा और यहाँ ला कर के उनको किस तरह से अंतिम संस्कार करने का प्रयत्न किया। वो स्थान वास्तव में जनता को भी पता नहीं था कि इन्हें कहाँ ले जाया जाएगा, कहाँ होगा, ऐसी अनजानी जगह पर भी जो उनका जिस प्रकार का जीवन का समर्पण हुआ है वो वास्तव में आप और हम सब के लिए एक तरह से व्यक्ति अपना बलिदान कर जाता है, मन में कुछ इच्छा नहीं रखता है कि देश मान करेगा नहीं करेगा, सम्मान होगा नहीं होगा, हमने अपने कर्तव्य का पालन किया, ये उपदेश दे दिया। थैंक यू सर, थैंक यू।